अमेठी और रायबरेली को गांधी परिवार ने जितना दिया है उतना स्मृति ईरानी ने पूरी भाजपा पूरे 10 साल में नहीं 100 साल भी शासन करेगी तो उतना काम और उतना विकास नहीं दे सकती। अभी रायबरेली में है और रायबरेली में आज नामांकन कर रहे राहुल गांधी, तो हम लोग रायबरेली में लोगों से समझने का प्रयास करते हैं कि राहुल गांधी का मिजाज क्या रहेगा। तो भाई साहब क्या लग रहा है राहुल गांधी इस बार चुनाव जीत पाएंगे? रायबरेली अब सांसद नहीं चुनने जा रही है, रायबरेली पीएम चुनने जा रही है, प्रधानमंत्री चुनने जा रही है। और हम रायबरेली वाले गांधी परिवार के साथ अपना पारिवारिक रिश्ता है। अच्छा। और हमारे परिवार का सदस्य आएगा वो यहाँ हार कैसे सकता है? भाजपा के लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से अमेठी में हारा है इसलिए यहाँ हारेंगे, इसलिए हमने ऐसे सवाल किया आपसे। भाजपा, अरे भाजपा हारी हुई पार्टी है, स्मृति ईरानी गैस सिलेंडर लेकर के पहले रोना रोती थी, आज स्वयं गैस सिलेंडर है, वो सिलेंडर कहाँ गया? अमेठी और रायबरेली को गांधी परिवार ने जितना दिया है उतना स्मृति ईरानी ने पूरी भाजपा पूरे 10 साल में नहीं 100 साल भी शासन करेगी तो उतना काम और उतना विकास नहीं दे सकती जितना गांधी परिवार ने रायबरेली अमेठी को दिया है। और सुनिए, और सुनिए, और सुनिए, आप गांधी परिवार ने अमेठी और रायबरेली को बड़े बड़े उद्योग, बड़े बड़े शिक्षण संस्थान, बड़े बड़े आपके कारखाने दिए, और इन्होंने क्या दिया? बंद कर दिए। इन्होंने बंद तो किया, क्या इन्होंने क्या दिया? सीसी रोड, और ऐसी सीसी रोड जिसे 6 महीने में चर्म रोग हो जाता है, आदमी चलने के लिए तड़पता है। आप सांसद नहीं प्रधान है। वो कह रहे कि कांग्रेस ने रायबरेली अमेठी के साथ नाइंसाफी की। रायबरेली, अरे रुक जा भाई, रुक जा यार, रुक जा, जिंदाबाद बार में लगा लेना। ये बताइए, ये कह रहे लगातार कि अमेठी रायबरेली के साथ कहीं ना कहीं ऐसा दुर्व्यवहार किया कांग्रेस ने, उस तरीके से काम नहीं किया। इतने दिन यहाँ से सांसद रही, इतने दिन सरकार रही, उसके बाद भी रायबरेली अमेठी पिछड़ा हुआ है। देखिए, केवल एक एक चीज हम कहना चाहेंगे, अब की अगर कांग्रेस का शासन आ रहा है तो हम निवेदन करेंगे कि एक बढ़िया आंख का अस्पताल खुल जाए, ताकि जो विपक्षी हो उनको और जो हमारे पत्रकार हैं जिनको विकास और सबको नहीं दिखाई पड़ता, वो स्वच्छ दिखाई पड़ना शुरू हो जाए। अमेठी में काम कराया कांग्रेस ने? अमेठी में कांग्रेस ने नहीं कराया तो किसने कराया? स्मृति ईरानी की बनाई हुई सड़कें जो 6 महीने में चर्म रोग से ग्रसित हो गई है। लेकिन भाजपा वाले लगातार ये कह रहे हैं कि अमेठी में हराया था, रायबरेली में भी हराएंगे, तो आपको नहीं लगता इस बार यहाँ से वैसा माहौल रहे? अच्छा, एक चीज बताइए आप, एक चीज बताइए आप, अगर आपने 10 साल शासन किया है तो आप जनता के बीच जाएंगे तो अपना कार्य बता करके वोट मांगेंगे कि अगर कुछ किया नहीं है तभी आप फिर हिंदू मुस्लिम और ये वो जाति धर्म की बात करते हैं? केवल कारण ये है कि इन्होंने देश में कुछ नहीं किया है, देश को लड़ा करके शासन चलाने का प्रयास किया है। अब की युवा वर्ग उठा के पटके का नहीं, धोबी पाठ होता है दाव ना, युवा वर्ग वो धोबी पाठ मारेगा कि मोदी के और इनके पूरे मंत्रिमंडल के हड्डियों के एक एक के चूरमा बन जाएंगे। कह रहे अच्छा दिन आ रहा है देश में, बढ़िया काम हो रहा है, और कह रहे 10 साल कुछ हुआ। अच्छे दिन, अरे अरे इतने अच्छे दिन आ गए कि हिंदुस्तान को 5 किलो राशन दे करके आपको जिंदा रखना पड़ रहा है, इससे अच्छे दिन नहीं आ सकते हैं। वही स्मृति ईरानी जी हैं जो 400 का सिलेंडर था, कांग्रेस की सरकार थी तो सिर पर रखकर घूमती थी, आज 1200 सिलेंडर है, क्यों नहीं लेके घूमती? जनता पूछना चाहती है स्मृति ईरानी जी से, क्यों नहीं उस मुद्दे पर सवाल उठाती? आज तो खुद सांसद है अमेठी से, क्यों नहीं ऐसा करती है? महंगाई मुद्दा है बड़ा, सबसे बड़ा महंगाई और रोजगार मुद्दा है, युवा आपकी लगाएगा पंजे पे देखती, मेकअप बाज नेता जनता नहीं देखती, जनता काम देखती है। अब जनता आँख खोल के पूरा कपन ओढ़ के रोड पे आ गई है, बुलडोजर चलवाना है चलवा दो, मरवाना है मरवा दो, लेकिन आएंगी सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस। 5 किलो राशन में पेट नहीं भरता, जीवन यापन नहीं होता। का चुनाव जिताने के लिए पीएम छोड़ सीएम आ गए और हिला न पाए पत्ता, ये तो बहुत बड़ी सीट है। सर्वप्रथम पेपर लीक रोका जाए उत्तर प्रदेश में, पेपर लीक को हम लोग महत्व के जाते हैं, पेपर लीक हो जाता है बार बार, इसलिए उस पर ध्यान दिया जाए थोड़ा। सब क्या चाह दूसरी अग्निवीर योजना का हटाई जाए सबसे पहले। चाचा आप बताओ क्या लग रहा माहौल? भैया माहौल ये लग रहा है कि जो भाजपा का कैंडिडेट है वो कांग्रेस का ही है, तो अभी कल कांग्रेस सरकार में आ जाएगी तो भाजपा का कैंडिडेट बदल करके कांग्रेस में आ जाएगा।
तो उसका जन्म तो राजनीतिक जो हुआ वो कांग्रेस में हुआ है, आज वो भाजपा में हुआ है। मतलब दोनों तरफ से कांग्रेस एक तरीके से देखा जाए, कांग्रेस राहुल गांधी के अलावा कौन है, सोनिया गांधी के अलावा कौन है, राहुल गांधी चुनाव यहाँ जीतेंगे।